हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सो दोस्तों, मेरा नाम है राज और अभी मैं आ चुका हूँ तालुकपली झील, जो कि थाने स्टेशन से कुछ ही दूरी पे है और ये महाराष्ट्र की खूबसूरत झील में से एक है दोस्तों। और ये सिर्फ एक झील नहीं है, एक पूजा केंद्र भी है दोस्तों। दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पे बोट और स्कूटर राइडिंग जैसी गतिविधियों का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर अक्सर लोगों की भीड़ लगी रहती है दोस्तों, क्योंकि जगह काफी खूबसूरत है। और ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, पूरा का पूरा ग्लास से बना हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके नीचे यहाँ पे लाइटिंग लगाया गया है, जो कि नाइट के टाइम यहाँ पे वो लाइटिंग चालू होता है और काफी अट्रैक्टिव लुक देता है दोस्तों यहाँ पे। और इस झील के बीच में एक यहाँ पे मंदिर है, जो कि दोस्तों शंकर जी को समर्पित है। और वहां तक जाने के लिए आप लोगों को कई तरह के यहाँ पे बोट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं वहां पे टिकट काउंटर है, तो मैं वहां से टिकट लूंगा और फिर वहां पे जाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, काफी खूबसूरत यहाँ पे लग रही। और यहाँ पे एक फुहारा भी है, जो कि लाइटिंग वजह से और भी खूबसूरत यहाँ पे लग रहा है। तो कुछ लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तो मैं भी वहाँ पे चलता हूँ। सबसे पहले मैं टिकट ले लेता हूँ दोस्तों। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा, ये तो बहुत अभी खाली हुआ है, टाइम लगेगा इसमें 10-5 मिनट निकल जाएगा। ये कौन मशीन है? अरवाना। अरवाना इसका नाम है, R1। नाम भी बहुत ही खतरनाक, इसका नाम R1 बताया जा रहा है। ओ चिड़ू, पकड़ेगा। रास्ते मैंने यहाँ पे टिकट ले लिया है, सब कॉस्ट है 30 रुपये। और इसके बाद अच्छा, तो यहाँ पे टिकट ले रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे शाम का 6:22 हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से टर्न लेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं सामने, जो कि लाइटिंग की वजह से जो फुहारा है काफी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। और इसके जस्ट बगल में यहाँ पे देखिए, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ये स्टेचू काफी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तो देखिए हम लोग रोड के साइड से होकर के निकलेंगे देखिए। और उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे, तो आप लोगों को दिखाएंगे कि जो लाइटिंग की वजह से जो ग्लास का ब्रिज है कैसा दिखता है। तो हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो हम यहाँ से उतरेंगे दोस्तों, चलेंगे। और दोस्तों ये जो ग्लास का ब्रिज है, यहाँ पे शाम के टाइम लाइटिंग की वजह से यहाँ पे और भी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग किस तरह से ब्लिंक कर रहा है और लोग इस पर चल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, कमेंट में जरूर।